Subscribe under 24/7 and press the bell icon. गुड मॉर्निंग अरविंद, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा पर। मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज टू द पॉइंट में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि काफ़ी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को पता है कि कई बच्चों ने मतलब कमेंट किया था कि सर साउंड के ऊपर टू द पॉइंट का एक एपिसोड लाया जाए, तो मैंने आज साउंड से पूछे जाने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी फैक्ट को इसमें समराइज किया। तो ये साउंड से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी, वो सारे प्रश्न को इसमें शामिल किया गया। तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाए। फिर हम लोग आज के इस सेशन को, यानी कि साउंड के टू द पॉइंट को स्टार्ट करते हैं और वहां पर देखते हैं कि साउंड से कैसे कैसे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टू द पॉइंट का ये एपिसोड और देखते हैं आज हम लोग साउंड के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो साउंड की दोस्तों जब पहले हम लोग बात करते हैं तो याद रखेंगे साउंड के बारे में, साउंड जो है एक प्रकार का कैसा वेव है। तो सबसे पहली बात याद रखेंगे, साउंड एक मैकेनिकल वेव है, है ना। जब हम लोग वेव्स की बात करते हैं ना, तो वेव्स को दो भागों में बांटा जाता है। एक यांत्रिक तरंग है जिसे हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, और होता है एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, या इसे नॉन मैकेनिकल वेव, या इसे गैर यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जब भी वेव की बात होती है ना, तो वैसे वेव जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है ट्रैवल करने के लिए, यानी कि मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, उसे मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। और वैसे वेव्स जिन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जैसे लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव्स, ये जितने भी वेव्स हैं ना, ये सारे वेव्स कैसे वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जबकि हम लोग बात करते हैं साउंड की, तो साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, अर्थक्वेक, ये सारे जो वेव्स हैं, ये सारे कैसे वेव्स हैं दोस्तों, ये सारे मैकेनिकल वेव्स हैं। अब मैकेनिकल वेव्स की अगर बात करते हैं ना, तो इसमें भी दो प्रकार की तरंगें होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्स। जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं इसे, और ट्रांसवर्स को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब होता है वैसी वेव जिसमें कि वेव का जो ट्रांसफ़र हो वो किसके साथ, मॉलिक्यूल के पैरेलल होता है, यानी कि वेव भी इधर मूव कर रहा है और जो आपका मॉलिक्यूल है वो भी किधर कर रहा है, इधर ही मूव कर रहा है। जब पैरेलल होता है मॉलिक्यूल और वेव दोनों का एक साथ समानांतर उसमें जब मूव कर रहे हैं, तो उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, और ट्रांसवर्स का मतलब होता है जब परपेंडिकुलर हो, तो उसे ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। तो साउंड वेव जो है सबसे पहले तो कैसा मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल में भी किस प्रकार का है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है साउंड वेव्स आर किस प्रकार की वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है, कई बार ऐसे पूछा जाता है इसमें से कौन सा एक मैकेनिकल वेव है, ऐसे पूछा जाता है इसमें से कौन सा एक नॉन मैकेनिकल वेव है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको एपिसोड अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जितने नए छात्र देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला फैक्ट याद रखेंगे, जो साउंड की स्पीड होती है एयर के अंदर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो साउंड की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, कई बार पूछा जाता है कि साउंड की स्पीड हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है, तो 332 मीटर पर सेकेंड। जबकि
एयर में जो हवा में 20 डिग्री सेल्सियस पर कितनी स्पीड होती है, इसकी 343 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना। जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देखिए, एयर में 20 डिग्री टेम्परेचर पर 343 है, वाटर में याद रखेंगे 1482 है, और स्टील में 5941 ये इसका स्पीड होता है मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना पॉइंट। तो दोस्तों इस फैक्ट को याद रखेंगे, यहाँ से दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पार्टिकुलर 0 डिग्री सेल्सियस पूछा जाए तो 332, अगर आपसे 20 डिग्री सेल्सियस पूछा जाए तो 343। अगर सिंपली पूछ देते हैं कि साउंड का स्पीड कितना होता है तो आपको याद रखना है 332 मीटर पर सेकंड, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों इसके बाद अगले फैक्ट की बात करते हैं। तो याद रखेंगे, पिच इज द दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश्ड ए शार्प और श्रिल साउंड फ्रॉम ए ग्रेव और डल साउंड। इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द पिच एंड श्रिलर विल बी द साउंड एंड वाइस वर्सा। समझना है, ये जो पिच होता है ना साउंड का, एक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पिच, या इसे हिंदी में दोस्तों तारत्व कहा जाता है। इसी गुण के कारण, साउंड के इसी पिच प्रॉपर्टी के कारण ही जो साउंड है हमें क्या, एक तो मतलब कैसा सुनाई देता, मोटा सुनाई देता है, ठीक है ना, या फिर हमें क्या साउंड पतला सुनाई देता है। जैसे मेल के अगर साउंड की बात करें तो कैसा होता है, मोटा होता है, ग्रेव होता है। वही जब हम लोग महिलाओं के साउंड की बात करते हैं तो क्या होता है, वो पतला होता है, श्रिल होता है। तो साउंड का पतला या मोटा सुनाई देना, ग्रेव या सिर श्रिल सुनाई देना, ये किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, ये पिच पर डिपेंड करता है। और याद रखेंगे जो पिच होता है ना, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो पिच भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि पिच ज़्यादा होगा तो याद रखेंगे पिच ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा पिच होगा साउंड उतना ही क्या होगा, श्रिल होगा। यानी कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना साउंड की, साउंड उतना ही पतला सुनाई देगा, और जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा साउंड का, यानी कि जितना पिच लो होगा साउंड का, मतलब जो मोटापन होगा उतना ही ज्यादा होगा। यहां पर देखिए, लोअर पिच है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, लोअर है, लोअर फ्रीक्वेंसी है तो लोअर पिच, और हाइयर फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो पिच भी क्या है यहां पर, ज्यादा है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो याद रखेंगे पिच होता है ना, सबसे ज़्यादा जो पिच होता है वो किसके साउंड का होता है दोस्तों, मॉस्क्यूटो या मच्छर के साउंड का सबसे ज़्यादा पिच होता है, ये आप याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से ये पूछा जाता है कि किस प्रॉपर्टी के कारण साउंड धीमा या ग्रेव सुनाई देता है, मतलब मोटा या पतला सुनाई देता है। कई बार पूछा जाता है कि तारत्व जो है वो किस पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से पिच पर क्या असर पड़ेगा, पिच ज़्यादा होगा तो साउंड कैसा होगा, पिच कम होगा तो साउंड कैसा होगा। याद रखेंगे पिच कम तो साउंड मोटा, पिच ज्यादा तो साउंड पतला होता है। क्लियर है पॉइंट यहां तक। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले फैक्ट की बात करते हैं। याद रखेंगे ड्यू टू रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, जैसे लाइट का परावर्तन और अपवर्तन होता है, उसी तरह ध्वनि का भी परावर्तन और अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन के कारण ही साउंड जो है रात में ज्यादा दूर तक सुनाई देता है अपेक्षाकृत दिन के। यानी कि अपवर्तन के कारण दिन की तुलना में रातों में लंबी दूरी तक सुनाई देती है। याद रखेंगे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि रात में कोई भी जो साउंड होता है ना, आप जब भी रात में देखेंगे कोई भी साउंड, कहीं भी बहुत दूर भी अगर साउंड बज रहा होता है तो वो हमें सुनाई देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये रेफ्रैक्शन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण ही रात में हमें लंबी दूरी तक ध्वनि सुनाई देती है। ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ बात करते हैं। तो याद रखेंगे कई बार पूछा जाता है कि इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है, साउंड की जो इंटेंसिटी होती है यानी साउंड की जो तीव्रता होती है। तीव्रता का मतलब क्या होता है ना दोस्तों, साउंड का तीव्रता का मतलब होता है साउंड का धीमा सुनाई देना, मतलब कि कोई भी साउंड जो आपको मतलब धीमा सुनाई देता है या कोई साउंड तेज सुनाई देता है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी या उसे बोलते हैं तीव्रता बोलते हैं ध्वनि की। और इसका जो यूनिट होता है ना दोस्तों, SI यूनिट जो होता है याद रखेंगे दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि
उसका जो पावर बटे एरिया ये इसका वो होता है, फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का, पी अपॉन ए पावर बटे एरिया। तो पावर दोस्तों क्या होता है, वर्क, पावर का मतलब यूनिट क्या होता है, वाट, और एरिया का यूनिट क्या होता है दोस्तों, मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट जो होता है ना इंटेंसिटी का, वो क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और इंटेंसिटी जो होता है, याद रखेंगे, ध्वनि की जो इंटेंसिटी होती है या तीव्रता होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। इंटेंसिटी जो होती है ना वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड का, उतनी ही ज़्यादा साउंड की क्या होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जबकि इंटेंसिटी का जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है, हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है दोस्तों वो होता है डेसिबल, अभी हम लोग इसकी आगे चर्चा करते हैं। लेकिन ये एग्जाम में याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि साउंड की इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है, तो वहां पर आप डेसिबल नहीं बल्कि याद रखेंगे वॉट मीटर पर स्क्वायर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले फैक्ट की दोस्तों हम लोग बात करते हैं, तो याद रखेंगे यूनिट ऑफ लाउडनेस इज बेल। बेल जो है ये लाउडनेस, यानी कि वही तेज या धीमा सुनाई देना, ठीक है, जिसे हम लोग इंटेंसिटी भी कहते हैं, तो उसका जो यूनिट होता है दैट इज बेल। बट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल, यानी कि जो व्यवहारिक मात्रक है लाउडनेस का वो क्या है दोस्तों, दैट इज डेसिबल, विच इज 1/10 ऑफ बेल, यानी कि बेल जो हुआ नॉर्मल यूनिट होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है ना उसे हम लोग बोलते हैं डेसिबल, और डेसिबल क्या होता है, 1/10 ऑफ बेल, बेल का 1/10 हिस्सा होता है, ठीक है ना। और याद रखेंगे साउंड का मतलब इसी का, लाउडनेस का ही एक अनदर यूनिट भी क्या है, फोन भी है। तो कई बार पूछा जाता है कि फोन किसका एक यूनिट है, तो ये भी याद रखेंगे साउंड के लाउडनेस का ही एक यूनिट है, ठीक है ना दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि जितने भी बच्चे हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके, है ना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे दोस्तों, याद रखेंगे साउंड लेवल मीटर, ये एक डिवाइस है जिससे कि हम लोग साउंड की इंटेंसिटी या नॉइज की इंटेंसिटी या म्यूजिक की इंटेंसिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये जो डिवाइस देख रहे हैं यही है साउंड लेवल मीटर, जिससे कि नॉइज की इंटेंसिटी या म्यूजिक की इंटेंसिटी या जो भी साउंड होती है उसकी इंटेंसिटी को क्या की जाती है, मेजर की जाती है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों ये भी याद रखेंगे, इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा एम्पलीट्यूड उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि इंटेंसिटी जो होता है वो आयाम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसे भी याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके आगे, याद रखेंगे ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट अल्ट्रासोनिक वेव, बट डॉग, कैट, बैट, इटीसी, यानी कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सभी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चमगादड़ के बारे में याद रखेंगे, वो केवल ना मतलब ना तो पता लगाते बल्कि वो अल्ट्रासोनिक तरंगों का उत्पादन भी करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से कौन सा जीव अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है, तो याद रखेंगे दैट इज बैट या चमगादड़। आपको पता है कि साउंड को ना तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, एक इंफ्रासोनिक, एक होता है ऑडिबल, और एक होता है दोस्तों अल्ट्रासोनिक। ये तीन कैटेगरी होती है। ऐसे साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होता है ना, ऐसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होता है उसे हम लोग इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी याद रखेंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं ऑडिबल साउंड, जो कि हमारे कान के लिए क्या होता है, ह्यूमन के ईयर के लिए सबसे सही होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाला साउंड। और जो अल्ट्रासोनिक वेव होता है ना दोस्तों, इनका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो ग्रेटर होता है किससे, 20,000 हर्ट्ज से, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा के ध्वनि को कौन उत्पन्न कर, कौन सुन सकते हैं, तो कैट, डॉग, बैट, ये सभी इसको सुन सकते हैं, बैट यहां तक कि इसे प्रोड्यूस भी करते हैं, क्लियर है पॉइंट। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यहां से काफी ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। अगले फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे साउंड इज, कई बार पूछा जाता है कि साउंड किसके कारण प्रोड्यूस होता है, किस प्रॉपर्टी के कारण, तो याद रखेंगे दोस्तों साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण, वाइब्रेशन या कंपन के कारण साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अगर कंपन ना हो तो साउंड प्रोड्यूस होगा ही नहीं,
ठीक है ना। तो साउंड जो होता है वो किसके कारण प्रोड्यूस होता है, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। ये चीज़ आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले फैक्ट की बात करते हैं। याद रखेंगे साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहली बात क्या है, साउंड क्या है, ऊर्जा का एक प्रकार है जो कि मैटर में किसके रूप में ट्रांसफर ट्रैवल करता है, वेव के रूप में ट्रैवल करता है। यहां पर देखना लिखा है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल्स थ्रू मैटर एज वेव्स। यानी कि साउंड जो है ऊर्जा के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और ये वेव के रूप में इसका क्या होता है दोस्तों, गमन होता है। ये चीज आप याद रखेंगे, कई बार पूछा जाए साउंड किसका एक फॉर्म है, एनर्जी का, वर्क का, पावर का, किसका दोस्तों, तो याद रखेंगे साउंड किसका एक फॉर्म है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है पॉइंट। हम लोग चलते हैं दोस्तों इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो याद रखेंगे साउंड का क्या होता है, साउंड वेव के पास एम्पलीट्यूड भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है, और क्या होता है, वेवलेंथ भी होता है। जब हम लोग दोस्तों फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकेंड। एक सेकेंड में कोई वेव कितने साइकिल को कंप्लीट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है दोस्तों दैट इज हर्ट्ज, जिसे हम लोग वन बाय सेकेंड या जिसे हम लोग सेकेंड इनवर्स भी कहते हैं। ये तीनों ही फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो देखिए एक क्रेस्ट और थ्रस्ट के बीच का जो ये हाइट होता है ना, दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, एम्पलीट्यूड कहते हैं। और आयाम का जो यूनिट होता है दोस्तों दैट इज मीटर, क्या होता है, मीटर इसका यूनिट होता है। जबकि वेवलेंथ जो होता है दोस्तों, एक साइकिल, एक मतलब साइकिल के बीच जो लेंथ कवर किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड लैम्डा, लैम्डा से डिनोट करते हैं। और वेवलेंथ को दोस्तों मेजर किया जाता है किस में, इसे मेजर किया जाता है मीटर में, इसका भी यूनिट मीटर है, बट इसका प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है दैट इज एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम में दोस्तों 10^-10 मीटर होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक चीज याद रखेंगे यहां पर कि जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, कई बार पूछा जाता है जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। याद रखेंगे जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है दोस्तों तो साउंड की बाकी सभी प्रॉपर्टी चेंज होती है, लेकिन उसकी जो आवृत्ति होती है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट नेवर चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। क्लियर है पॉइंट। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगले फैक्ट की। ये सारे फैक्ट जितने भी मैं बता रहा हूँ, हर फैक्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगले फैक्ट की बात करते हैं तो याद रखेंगे कि जो साउंड की स्पीड होती है वो सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में, और सबसे कम किस में होती है दोस्तों, ये होती है गैस के अंदर, ठीक है ना। साउंड की स्पीड सॉलिड में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है तो हम लोग अभी देखेंगे, एल्यूमिनियम, फिर होता है स्टील, फिर उसके बाद और भी कई सारे हैं अलग अलग, उसमें इसकी स्पीड हम लोग देखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो दोस्तों इसे भी याद रखेंगे, साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किसमें होती है, सॉलिड में होती है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अगर साउंड की जो होती है ना स्पीड, जो साउंड का होता है स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो साउंड की स्पीड भी क्या होती है दोस्तों, बढ़ती जाती है। और ये जो फॉर्मूला होता है ना, देखिए टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेगा तो यहाँ पर 331 ये फॉर्मूला होता है, वी इज इक्वल टू 331 प्लस 0.61 इंटू टी। यानी कि अगर आपको 30 डिग्री टेम्परेचर पर निकालना है तो 331 में इतना जोड़ दीजिए, आपको 40 डिग्री टेम्परेचर पर निकालना है तो 331 प्लस 40 इंटू 0.61 हो जाएगा। इसी तरह आपको जितने भी टेम्परेचर पर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको बस यूज़ करना है, आपको उस टेम्परेचर पर क्या होगा, साउंड की वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी, साउंड की स्पीड क्या है वो पता चल जाएगी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, कई बार पूछ देता है एट 40 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ, व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड, तो बस सिंपल सा इसमें 40 पुट करेंगे आपको वैल्यू निकल जाए। कई बार डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी पूछ देते हैं तो याद रखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है साउंड का स्पीड भी क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज करता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन इसके आगे की बात करते हैं हम लोग, अगले फैक्ट की अगर दोस्तों बात करें तो याद रखेंगे इको,
इको का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इको जो होता है वो क्यों होता है, ये साउंड के रिफ्लेक्शन के कारण इको सुनाई देता है हमें। जैसे कोई चीज़ बोलते हैं तो वो चीज़ एक रिफ्लेक्टर सरफेस से टकराता है और उसकी वही चीज़ आपको दो तीन बार जो सुनाई देता है वो क्या होता है, एक्चुअल में इको होता है, उसको हम लोग इको बोलते हैं। और इको क्यों साउंड के रिफ्लेक्शन के कारण प्रोड्यूस होता है, और एक चीज़ आप याद रखेंगे कि अगर आपको क्लियर इको सुनना है ना, तो जो रिफ्लेक्टर सरफेस है उसकी जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, दैट इज 17 मीटर दूरी पर रखा होना चाहिए जो रिफ्लेक्टर सरफेस है, अगर आपको क्लियर इको सुनाई देना सुनना है तो। मिनिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 17 मीटर होना चाहिए। कई बार ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो कई बार पूछा जाता है इको साउंड के किस प्रॉपर्टी के कारण प्रोड्यूस होता है और इसके लिए न्यूनतम दूरी रिफ्लेक्टर सरफेस की कितनी होनी चाहिए, ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके आगे, तो साउंड Having frequencies above 20,000 hertz are called ultrasound. अभी हम लोगों ने देखा कि अल्ट्रासाउंड उसे कहते हैं, और सोनार जो एक डिवाइस होती है जिसे हम लोग बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इस सोनार का फॉर्मूला फुल फॉर्म होता है, कई बार इसका पूरा मतलब पूछा जाता है, ये भी अल्ट्रासोनिक वेव्स को ही यूज करता है ना, और किसी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए या उसे डिटेक्ट करने के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है। जब समुद्र चलते हैं सबमरीन एक्टिविटीज जो होती हैं, सबमरीन अंदर में किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वो करते हैं हम लोग किसका यूज़, तो वहाँ पर भी सोनार का यूज़ किया जाता है। और सोनार किस प्रिंसिपल पर काम, अल्ट्रासोनिक वेव्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और सोनार में याद रखेंगे सोनार भी इको के सिद्धांत पर काम करता है, सोनार भी जो है वो किस पर, इको के सिद्धांत पर काम करता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे लैरिंग्स जो है मनुष्य के शरीर का साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, हम लोगों ने पढ़ा है वाक यंत्र, और इस लैरिंग्स के अंदर क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड होते हैं, और हमारे मनुष्य के शरीर में वोकल कॉर्ड की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, दो, ठीक है ना। और यही वोकल कॉर्ड क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि कहाँ पर, हमारे गले में, हमारे नेक में, हमारे गर्दन में पाया जाता है। जबकि पक्षियों का जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है उसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सैरिंग्स। जब हमारे कान में कोई साउंड सिग्नल जाता है तो एकॉस्टिक नर्व उसे क्या करता है, एकॉस्टिक तंत्रिका उसे कान से कहाँ तक पहुँचाती है, कान से यानी हमारे ईयर से हमारे ब्रेन तक इस जो भी मतलब साउंड सिग्नल होता है उसे ट्रांसफर करती है। तो एकॉस्टिक नर्व्स के बारे में भी याद रखेंगे, लैरिंग्स के बारे में भी याद रखेंगे और सैरिंग्स भी याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगले फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो याद रखेंगे जो साउंड की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड वेव इज वेवलेंथ गुने फ्रीक्वेंसी। अगर आपको साउंड वेव की स्पीड निकाले तो इसका फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू लेमडा इंटू एफ या v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछ देते हैं, जहां पर v क्या है वेलोसिटी, f क्या है फ्रीक्वेंसी और लेमडा क्या है दोस्तों वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी के बारे में आप याद रखेंगे, साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो जब किसी मीडियम में साउंड एक मीडियम से किसी मीडियम में जाए फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता, जबकि एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ क्या होता है दोस्तों, वो चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, आप ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे आप, इस फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। अगले फैक्ट की दोस्तों हम लोग बात करें तो याद रखेंगे साउंड जो है सबसे 0 डिग्री सेल्सियस पर जो साउंड की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है वो किस में होती है, एल्यूमिनियम में, ठीक है। और साउंड जो निर्वात यानी वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है, ये भी याद रखेंगे, निर्वात में जो साउंड की स्पीड होती है दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर अलग अलग मटेरियल के अंदर साउंड की स्पीड दी हुई, इस टेबल को आप लोग देख लेंगे, रबड़ में 60 मीटर पर सेकेंड, एयर में इतना है 40 डिग्री पर 20 डिग्री पर इतना है, लेड में 1210 है, गोल्ड में इतना है, ग्लास में इतना है, कॉपर में इतना है और एल्यूमिनियम में 6320 मीटर पर सेकेंड है। ये जितने भी यहाँ पर हैं ये सारे को आप याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से अलग उससे प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, कई बार पूछा गया है, तो ये सारा जितना भी यहाँ पर लिखा गया है सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, तो अगला पॉइंट याद रखेंगे कि ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग इज 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, ये हम लोगों ने देखा है अभी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे कान के लिए ऑडिबल रेंज साउंड का क्या होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो याद रखेंगे अल्ट्रासाउंड वे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आर यूज्ड इन इकोकार्डियोग्राफी।
इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है दोस्तों, ये जो हार्ट है ना, हमारा हृदय, हृदय के साउंड में, हृदय के साउंड को सुनने के लिए, हृदय के फंक्शन का जो वो होता है उसे चेक करने के लिए, यहाँ पर एक होता है इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं इसे, ठीक है ना। इकोकार्डियोग्राफी कुछ इस प्रकार से मशीन होता है, उसे हार्ट के ऊपर वो करते हैं, लगाते हैं, और उससे हम हार्ट के प्रॉपर मतलब साउंड या प्रॉपर साउंड को डिटेक्ट किया जाता है। तो वहां पर भी किस वेव का यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज किया जाता है। ये जो मशीन देख रहा है ना, ये इकोकार्डियोग्राफी का मशीन है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी अलग है, इकोकार्डियोग्राफी अलग है, है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होता है ना, वो हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसे चेक करने के लिए किया जाता है, जबकि ये हार्ट के अंदर कैसे साउंड वगैरह होता है उसे चेक करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी होता है, ठीक है ना। और जो डॉक्टर कान में लगाते हैं ना, उसे हम लोग स्टेथोस्कोप कहते हैं, वो अलग चीज होता है, वो ध्वनि के परावर्तन के ऊपर वो काम करता है, ठीक है ना। अगले फैक्ट की दोस्तों हम लोग बात करते हैं, तो याद रखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। स्पीड ऑफ साउंड इन आइडियल गैस डजंट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये तीन पॉइंट हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो याद रखेंगे कि जो हमारा साउंड है उसका स्पीड भी क्या होगा, बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी साउंड का स्पीड भी उतना ज़्यादा। और याद रखेंगे साउंड की स्पीड जो वो प्रेशर और माध्यम के घनत्व पर, डेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। तीन प्रॉपर्टी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और ह्यूमिडिटी को दोस्तों हम लोग किससे मेजर करते हैं, तो आपको पता है ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी को किससे मेजर किया जाता है, हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं, HYGRO हाइग्रोमीटर, इससे मेजर किया जाता है ह्यूमिडिटी को, यह भी आपको पता है। क्लियर पॉइंट, तो चलते हैं दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ। तो याद रखेंगे दोस्तों आज के टू द पॉइंट के एपिसोड के अंदर इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, यहां पर जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताए साउंड से रिलेटेड, ये सारे फैक्ट को आपने याद रखना है। जितना भी फैक्ट आपको बताया गया है, हर फैक्ट से आपके अलग अलग वन डे एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट के प्रकार के प्रश्न बने हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितने भी नए छात्र देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें SSC अड्डा को, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहें आपको। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगला टू द पॉइंट का एपिसोड किस टॉपिक पर बनाया जाए, इसका भी सजेशन का आपसे इंतज़ार रहता है, तो आप ये भी टॉपिक भी बताएं कि अगला टू द पॉइंट का एपिसोड किस टॉपिक पर बनाया जाए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग टू द पॉइंट के एपिसोड में इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं टू द पॉइंट के अगले एपिसोड में एक ऐसे ही नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए एंड हैव ए गुड डे।